नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं लोकस्वर टीवी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सरिया चोरी मामले में प्रार्थी ही निकला आरोपी, चंद्रभंडा पुलिस कर रही कार्रवाई। छड़ में 1600 रुपए तो सीमेंट में 75 रुपए हुए कम, व्यापारियों सहित आम नागरिकों को मिली थोड़ी राहत। चिरायु मेगा कैंप में अव्यवस्था, कुछ बच्चों को बिना जांच के ही लौटना पड़ा। और एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच में नहीं लेना होगा रिजर्वेशन, यात्रियों को 1 जुलाई से मिलेगी सुविधा। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों ट्रक से हुई सरिया चोरी के मामले में चकरभाटा पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी गए सरिया को भी बरामद कर लिया है। प्रार्थी कब आरोपी बन जाए या फिर आरोपी कब प्रार्थी बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। सरिया चोरी के मामले में पुलिस को गुमराह करने वाले ट्रेलर चालक करम सिंह आज खुद सलाखों के पीछे हैं। कड़ाई से हुई पूछताछ में आरोपी ने पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि हिर्री माइंस और पेंड्री डी के बीच सड़क किनारे सरिया को छुपा कर रखा था और मौका मिलते ही उसे बेच देता। चकरभाटा पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि इसके पहले भी आरोपी करम सिंह के खिलाफ 420 का मामला कोरबा थाने में दर्ज किया गया था और आरोपी जेल की हवा भी खा चुका है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की है। लोकसभा टीवी के लिए बिलहा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साफ सफाई नहीं होने के कारण कूड़ा करकट यहां जमा हुआ है। अधिकारियों का कार्यालय आना जाना लगातार बना रहता है, इसके बाद भी स्वच्छता के प्रति वे जरा भी गंभीर नहीं है, जो समस्या परे है। गौरतलब है कि यहां जिले का एकमात्र दवा भंडार है, जहां से सभी स्वास्थ्य केंद्रों को दवाइयों का वितरण किया जाता है। सिम्स में बीते 2 सप्ताह से थायराइड जांच नहीं हो रही है। मशीन खराब होने के लगभग 10 दिन बाद मशीन को ठीक किया गया था, लेकिन मशीन सिर्फ एक ही दिन काम कर पाई और फिर से बंद पड़ गई। अब मशीन कब बनेगी ये प्रबंधन भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। सिम्स में हर दिन औसतन 20 से 25 मरीजों की थायराइड जांच की जाती है, लेकिन बीते 15 दिन में सिर्फ एक ही दिन जाँच हो पाई है। जानकारी के मुताबिक ये मशीन कंडम होने की कगार पर है, इससे बार बार जांच प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि जरूरतमंद मरीजों को बाहर से जांच कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के चलते हर क्षेत्र में बिजली का लोड बढ़ गया है। यही कारण है कि लगातार ट्रांसफार्मर ट्रिप हो रहा है। सोमवार को सरकंडा नूतन चौक के पास सत्या शोरूम के सामने लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, इससे कई घंटों तक बिजली सप्लाई ठप रही। विभाग से ट्रांसफार्मर दुरुस्त करने पहुंचे कर्मचारी ने बताया कि आग की सूचना पर दमकल विभाग को भी बुलाया गया था, मगर वो नहीं पहुंचा। हम लोग तो कोनी में काम कर रहे थे, हमारा अधिकारी फोन करके बताया हनु टेडर के पास ट्रांसफार्मर में आग लगा है करके, तो अभी आ रहे हैं वहीं से हम लोग फील्ड से ही। फायर ब्रिगेड को फोन किया है हमारे अधिकारी, अभी तक के पहुँचे नहीं है। ट्रांसफार्मर में आग लगने कारण केबल का शॉर्ट सर्किट ओवरलोड के कारण। बंद पड़े निर्माण कार्यों को एक बार फिर शुरू करने वालों के लिए राहत की खबर है। आसमान छूती महंगाई के बीच छड़ सीमेंट के दामों में थोड़ी गिरावट आई है, साथ ही पेट्रोल प्रति लीटर लगभग 9 रुपए कम हुए हैं। छड़ सीमेंट व रेत की कीमतों में आई कमी के चलते निर्माण कार्यों में तेजी आने की संभावना देखी जा रही है। उन लोगों के लिए यह राहत वाली खबर है जिन्होंने कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मकान बनाने का काम बंद कर दिया था। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क में कमी कर दी है, जिसका असर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में पड़ा है। पेट्रोल प्रति लीटर 103 रुपए 18 पैसे व डीजल प्रति लीटर 96 रुपए हो गया है। पेट्रोल व डीजल की कीमत में आई कमी के कारण परिवहन खर्च में कमी आने की संभावना देखी जा रही है, जिसका असर जल्द देखने को मिलेगा। निर्माण सामग्रियों की कीमत में गिरावट का असर भी देखने को मिला है। छड़ 8400 रुपए प्रति क्विंटल से अब 6800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं सीमेंट 350 रुपए बोरी से उतरकर 275 रुपए पहुंच गया है। इसके अलावा रेत व ईंट की कीमत में भी गिरावट आई है। डीजल की कीमतों में गिरावट के कारण
रेत ईंट गिट्टी के परिवहन खर्च में भी कमी आई है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सीपत में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है, शायद ये चौथी लहर की आहट है। इस बार यहाँ 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन ने इस संबंध में जानकारी दी कि पॉजिटिव पाए गए लोगों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बिलासपुर की जनता से भी अपील की है कि वैक्सीनेशन का डोज पूरा कर लें, क्योंकि कोरोना कभी भी दस्तक दे सकता है, जो शायद पिछले वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक रूप लेकर आए। उन्होंने कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि की आशंका जताई है। पब्लिक अवेयर नहीं है वैक्सीनेशन के अगेंस्ट, है ना। अभी जब 2 पेशेंट अभी हमारे सीपत में आ चुके हैं, तो पब्लिक को, जनता को तो अवेयर हो जाना चाहिए कि हमें वैक्सीनेशन कराना है। जब फ्री में लग रहा था तो भी नहीं लगाया, अब तो पैसे में लगना शुरू हो गया है। तो इसलिए अब मैं चाहता हूं कि लोग वैक्सीनेशन करा लें, ताकि आने वाली लहर अगर आ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सतर्क रहें और जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पर चलें, ताकि कोरोना से बचे रहें आप। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थाहिरिया सिंह साहिब जराभाटा सिंधी कॉलोनी स्थित दरबार में 3 दिवसीय कीर्तन दरबार सजाया गया। इस मौके पर गुजरात के नवसारी शहर से सनी मूलचंदानी ने शब्द कीर्तन से भक्तों को निहाल किया। उल्लासनगर से बाबा जसकीरत सिंह साहब और त्रिलोचन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। कीर्तन और सत्संग के बाद गुरु का टूट लंगर बरताया गया। इस अवसर पर दरबार के सभी सेवादार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हाल से रागी जत्थे आए हुए थे, गुरबाणी कथा कीर्तन से संगत को निहाल किए। सारी सभी के लिए पाठ रखा गया था, सभी के भले के लिए अरदासें की गई। काफ़ी मात्रा में संगत ने आके अपना जीवन सफल किया सत्संग में। सारी संगत को आशीष गुरु बख्शे। सभी लोगों ने अच्छी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस महान चालीसा साहब का उन्होंने लाभ उठाया। रागी जत्थे जी हमारे एक तो सन्नी भाई साहब हैं, गुजरात नवसारी से आए हुए हैं, और हमारे संत श्री जसकीरत सिंह जी उल्लासनगर से आए हुए हैं। इन सभी के यहाँ चरण पड़े और ये हमारी दरबार आज धनगुनांग दरबार पवित्र रूप। जिला अस्पताल में सोमवार को चिरायु योजना शिविर में जमकर अव्यवस्था देखने को मिली। इलाज के लिए बच्चे घंटों डॉक्टरों का इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि कई बच्चों को बिना जांच और दवा के ही वापस लौटना पड़ा। चिरायु योजना के अंतर्गत जिला अस्पताल में सोमवार को बीमार बच्चों के लिए मेगा कैंप रखा गया था। सुबह 9 बजे से अपने माता पिता के साथ बच्चों की भीड़ अस्पताल में उमड़ पड़ी। देखते ही देखते ओपीडी के बाहर लंबी लाइन लग गई। हालत यह थी कि इलाज के लिए बच्चों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इस बीच अचानक लाइट गुल होने के कारण स्थिति और बिगड़ गई। इस भीषण गर्मी में छोटे छोटे बच्चे परेशान होते रहे। डॉक्टरों द्वारा जांच के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गंभीर बीमारी से पीड़ित पाए गए। वहीं 50 से ज्यादा मासूम कुपोषण के शिकार मिले। जब शिविर में अव्यवस्था के संबंध में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से पूछा गया तो वह गोलमोल जवाब देते नजर आए। वहीं जनरेटर के संबंध में भी उन्होंने फंड में कमी होने की बात कही। इस शिविर के माध्यम से बच्चों में ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि उनको जन्मजात कोई हृदय संबंधी या हड्डी रोग संबंधी या आँखों से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर शासन द्वारा निर्धारित नीति के तहत उनका अन्य बड़े अस्पतालों में उपचार और उनके अगर कोई ऑपरेशन से संबंधित होगा तो उसके बारे में उनकी मदद की जाएगी। इस शिविर का उद्देश्य यही है और इसमें ये शिविर जो है वो DIC के माध्यम से, जो कि एक विशेष संस्था के माध्यम से हो रहा है। किल्लत तो थी, मैंने अभी फ़ोन कर दिया है, पानी का इंतजाम हो गया है और उन्हें माइक कूलर लगाने के लिए बोल दिया है, तो वो इंतजाम हो जाएगा, वो परेशानी नहीं है। स्कैम का ये उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी मिले कि हमें अपने बच्चों को अगर तकलीफ होती है तो हमें NIC में एडमिट करना है या जिला अस्पताल में ला के किसी बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है, चेक कराना है, ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ रह सके। 0 से 18 वर्ष के बच्चों का एक कैंप आयोजित किया गया है और इसमें ब्लॉक स्तर से चिरायु टीम के द्वारा
जो भी चिन्हांकित मरीज हैं और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, खासकर उनको यहाँ पे आज लाया गया है कैंप में, और उनके सभी प्रकार के इलाज की व्यवस्था की गई है। और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर यहाँ पे आए हैं। बिलासपुर जिला स्तरीय चिरायु कैंप का आयोजन हुआ है, जिसमें चिरायु यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो भी बच्चे, गंभीर बच्चे जो आज फील्ड में जो भी चिरायु डॉक्टर द्वारा जो स्क्रीनिंग में जो पाए जाते हैं, उनको यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा जो है चेकअप कराया जा रहा है, और उनको जो है मेडिसिन अवेलेबल हो रही हैं, जिनका ऑपरेशन है उनको ऑपरेशन के लिए व्यवस्था हो रही है। जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि बच्चों का इलाज किया जा रहा है, NICU में बिस्तर खाली है, कई बच्चे कुपोषण से पीड़ित मिले हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की कमी को देखते हुए तत्काल 2 डॉक्टरों को शिविर में भेजा गया है, ताकि बच्चों का सही समय में उपचार हो सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। वार्डो में जल समस्या सहित अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को जोन क्रमांक 5 गोल बाजार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक रखी गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया। मौजूद अधिकारियों ने समस्या का समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और जल विभाग कार्यपालन अभियंता और जोन कमिश्नर प्रवीण शर्मा मौजूद थे। वार्डो में जो जल प्रदाय संबंधी समस्या है उसको लेके सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और जल विभाग के कार्यपालन अभियंता अजय श्रीनिवासन जी आए हुए थे, और वार्डों के पार्षदों के साथ बैठ के उनके वार्ड में जो जो समस्या है उसको समझा गया है और उसका निराकरण किया जाएगा। डे टू डे जो आती है, कहीं पे लीकेज हो गया, कहीं की पाइपलाइन में दिक्कत है, कहीं पे गंदा पानी आ रहा है, इस तरीके की जो छोटी छोटी समस्याएँ हैं उसको लेकर चर्चा की गई है और उसको तत्काल निराकरण किया जा रहा है। चकरभाटा क्षेत्र की नाबालिग लड़की जब अपने बुआ के घर पैदल जा रही थी, इसी बीच एक युवक लिफ्ट देने के बहाने उसे अपने साथ सूने मकान ले गया और उसके साथ अनाचार किया। घटना के बाद आरोपी युवक नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर छोड़कर भाग गया। डरी सहमी नाबालिग ने घटना की जानकारी परिजनों को दी और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। चकरभाटा पुलिस आरोपी इस्लाम खान को गिरफ्तार कर 363, 366, 376 घ का पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, मगर उसके बाद भी तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामले में शराब तस्कर परसराम धुरी को नयापारा में पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब खरीदकर छतौना गांव में खपाने जा रहा था। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बिला में अधिवक्ता प्रकाश बिंदल के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 दिन के भीतर आरोपी को खोज निकाला। पकड़ा गया आरोपी दुर्गेश चौहान बिल्हा का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी के कब्जे से चांदी के आभूषण और नगद बरामद किया गया है। बिल्हा पुलिस आरोपी के खिलाफ चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सरिया चोरी मामले में प्रार्थी ही निकला आरोपी, चकरभाटा पुलिस कर रही कार्रवाई। छड़ में 1600 रुपए तो सीमेंट में 75 रुपए हुए कम, व्यापारियों सहित आम नागरिकों को मिली थोड़ी राहत। चिरायु मेगा कैंप में अव्यवस्था, कुछ बच्चों को बिना जांच के ही लौटना पड़ा। और एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच में नहीं लेना होगा रिजर्वेशन, यात्रियों को 1 जुलाई से मिलेगी सुविधा। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे 1 जुलाई से सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा देने जा रही है, जिसकी तैयारी रेलवे द्वारा पूरी कर ली गई है। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच में रिजर्वेशन की सुविधा दी गई थी, लेकिन संक्रमण के कमजोर पड़ते ही रेलवे ने जनरल टिकट देने का ऐलान किया है। टिकट काउंटर के सिस्टम में भी बदलाव किया जा रहा है। अब एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच की बुकिंग बंद कर दी गई है, ताकि यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर से गुजरने वाली 36 ट्रेनें 24 मई तक रद्द हैं, लेकिन रेलवे अभी भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि 24 मई के बाद रद्द ट्रेनें पटरी पर दोबारा लौटेंगी या नहीं। परेशान यात्री भी इसे लेकर असमंजस में हैं।
भीषण गर्मी में यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में भटकना पड़ रहा है। कोयला लदान में तेजी लाने रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली तकरीबन 36 ट्रेनों को पहले ही 24 मई तक रद्द रखा है। ऐसे में सफर करने वाले यात्रियों को बार बार टिकट कैंसिल कराने और रिजर्वेशन कराने की परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब इन रद्द ट्रेनों को 24 मई के बाद शुरू किया जाएगा कि नहीं, अभी रेलवे के अधिकारी इसके बारे में कुछ कहने से बच रहे हैं। परेशान यात्रियों में रद्द ट्रेन को लेकर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जो गाड़ियां चल रही हैं उनके परिचालन में भी विलंब हो रहा है। इसके चलते यात्रियों को रेलवे स्टेशन में चिलचिलाती धूप में ट्रेनों के इंतजार में भटकना पड़ रहा है। बता दें कि देश में बिजली की खपत बढ़ने और कोयले की कमी को देखते हुए रेलवे ने एक महीने बिलासपुर जोन और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 36 से अधिक यात्री गाड़ियों को रद्द किया है। इसके साथ ही कोयले से लदी मालगाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है। बिजली की मांग बढ़ने से कोयले की खपत भी बढ़ गई है। ऐसे में रेलवे पर कोयला परिवहन करने का दबाव बढ़ गया है। इसका खामियाजा भीषण गर्मी में यात्रियों को ट्रेनें रद्द होने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। 8,45,00,000 रुपए की लागत से चुचिया पारा में निर्मित जनरल टिकट काउंटर से टिकट की बिक्री बढ़ने लगी है। 10 मई से लेकर 22 मई तक यहां से 694 टिकटों की बिक्री की जा चुकी है। लोगों की मांग के बाद रेलवे ने बिलासपुर स्टेशन में चुचुहिया पारा की ओर से सेकेंड एंट्री की सुविधा दे दी है। उद्घाटन के बाद से सिरगिट्टी, बन्नाक, परसदा, तिफरा, हरदी समेत पटरी उस पार के लोगों को टिकट की सुविधा मिलने लगी है। 10 मई से लेकर 22 मई तक यहां से 694 टिकट की बिक्री हो चुकी है। लिए गए टिकट में 1,028 यात्रियों ने अपनी यात्रा पूरी की है। इससे रेलवे को 46,000 रुपए की आवक हुई है। क्षेत्र की जनता को इस सुविधा की जरूरत थी। जनरल टिकट काउंटर की सुविधा के बाद अब यहां आरक्षण केंद्र भी खोला जा सकता है। हालांकि इसके लिए पहले जनरल टिकट की बिक्री को रेलवे देख रही है। अभी यहां कुछ और सुविधा की कमी है, जिसमें फुट ओवर ब्रिज प्रमुख है। यहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं, केवल प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 के पास कैमरा लगा है। दूसरे जगहों पर कैमरा लगाना बाकी है। पेयजल की सुविधा भी नहीं की गई है, जिसकी मांग भी यहां आने वाले यात्री कर रहे हैं। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। भीषण गर्मी के मद्देनजर ट्रेनों में आगजनी की घटना न हो, इसे ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी उपकरणों को सुधार कार्य कर ठीक किया जा रहा है। वहीं जिन सिलेंडर में गैस एक्सपायरी हो चुकी है, उन सभी में रिफिलिंग का काम भी जारी है। बिलासपुर रेल मंडल के कोचिंग डिपो में साफ सफाई के लिए आने वाली सभी ट्रेनों में यह सुविधा जांच रेलवे द्वारा किया जा रहा है। शादी का झांसा देकर युवती से अनाचार करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक युवती का तुलसी गांव निवासी अजय टंडन से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क हुआ। इसके बाद अजय टंडन का युवती के यहां आना जाना लगा रहा। इस दौरान आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसे शादी का झांसा दिया, फिर शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़ित युवती ने जब युवक के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा तो आरोपी टाल मटोल करने लगा। 2 साल बाद जब युवक ने शादी से इनकार कर मिलना जुलना छोड़ दिया, तब युवती को छले जाने का एहसास हुआ। पेशे से शिक्षिका ने 21 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी अजय टंडन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे 3 सटोरियों को सरकंडा पुलिस और ACCU की टीम ने पकड़ा है। पुलिस के गिरफ्त में आए सटोरियों से नकदी रकम, लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया गया है। सरकंडा थाना प्रभारी हरीश तांडेकर ने बताया कि रविवार की शाम मैच में कुछ लोग सट्टा लगा रहे हैं। इस पर पुलिस ने दबिश देकर अखिलेश डागत, समीर तिग्गा और चेतन राठौर को पकड़ा, जिनसे नकदी रकम 15,000 रुपये, लैपटॉप और 3 नग मोबाइल समेत लाखों की सट्टा पट्टी जब्त की। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना परिसर में इन दिनों चारों ओर गंदगी फैली हुई है। आलम यह है कि यहां स्टेशन से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को जीआरपी परिसर के किनारे रख दिया गया है, जिसके कारण थाना आने वाले काफी परेशान हैं। रेलवे की छत से निकला हुआ गंदा कारपेट भी यहीं फेंक दिया गया है, जिसका उठाव पिछले कई दिनों से नहीं किया गया है।
रेलवे के अधिकारी साफ सफाई को लेकर जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।